प्रदेश के उद्यानिकी विभाग के अधीनस्थ रायपुर संभाग के सभी जिलों में निरंतर कई वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिक कर्मचारी द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश दैनिक वेतन भोगी उद्यानिकी श्रमिक संघ के आह्वान पर संभाग के उद्यानिकी विभाग में कार्यरत श्रमिकों ने प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पारस मणि साहू ने कहा कि वर्ष 2018 के चुनावी जंग घोषणा पत्र के किए गए वादे को याद दिलाने के लिए नियमितीकरण का वादा निभाओ आंदोलन करने के लिए बाध्य हुए हैं। संभाग के सभी जिले के श्रमिक रायपुर कलेक्ट्रेट गार्डन में एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम संभाग आयुक्त को ज्ञापन दिया गया। यदि आगामी विधानसभा सत्र के दौरान नियमितीकरण की दिशा में उचित कार्यवाही कर निर्णय नहीं लिया जाता है तो आने वाले समय पर प्रदेश में उग्र आंदोलन प्रदर्शन किया जाएगा। जिंदाबाद अपने मान सम्मान के लिए नारा लगाने वाले जुझापी नहीं चलेगी, वादा खिलाफी बंद करो, बंद करो, बंद करो, खिलाफी बंद करो, बंद करो, बंद करो। चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरे करने होंगे, करने होंगे, करने होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का 9 मार्च को जो बजट प्रस्तुत होने वाला है, ये बजट सरकार का एक प्रकार से चुनावी बजट हो सकता है। इसके बाद 2023 में चुनाव होंगे। हम प्रदेश के सरकारी कर्मचारी जन घोषणा पत्र में किए गए वादे का आदरणीय भूपेश बघेल जी, टीएससी देव जी ने जो जन घोषणा पत्र 2018 के विधानसभा चुनाव में बनाया था, उसमें उन्होंने वादा किया था कि हम अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे। यहाँ तक चुनाव जीतने के बाद सप्रेशाला मैदान में माननीय मुख्यमंत्री स्वयं आकर के ये घोषणा किए थे कि अब हमारी सरकार बन गई है, 10 दिन के अंदर आपको नियमितीकरण करेंगे, यह साल किसानों का, अगले साल कर्मचारियों का। खाली नरवा गरवा घुरवा बारी है, कर्मचारी के कब बारी है समझ में नहीं आते। हम आपके माध्यम से 9 तारीख के बजट में प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारी मतलब नियमितीकरण के मांग करत हन। हमारे उद्यानिकी विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो राजभवन में मुख्यमंत्री के यहाँ IAS IPS के यहाँ गार्डनिंग करके सुगंध प्रदान करते हैं, उनका जीवन दुर्गंधमय हो गया है, रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। हम पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात कर रहे हैं, जब राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जब झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन जी ने अपने राज्यों में पुरानी पेंशन योजना 2004 के बाद लागू की, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी लागू करना चाहिए। और मेरा दावा है कि यही एक ऐसा मांग है जिसमें सरकार के ऊपर कोई आर्थिक बजट नहीं होगा, कर्मचारी को भी लाभ होगा, सरकार को भी लाभ होगा। प्रति माह 14 करोड़ रुपया राज्य सरकार NPS में जमा कर रही है अंशदान के रूप में। केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता भी देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने 31% महंगाई भत्ता दे दिया, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी आज भी 17% में, हमको 14% महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, हमको केंद्रीय कर्मचारियों के समान गृह भाड़ा भत्ता मिलना चाहिए। एक देश एक कानून एक संविधान की बात करने वाले हिंदुस्तान में और छत्तीसगढ़ में भी एक वेतनमान एक महंगाई भत्ता, क्यों मुझको 50,000 वेतन मिलेगा और क्यों मेरा दैनिक वेतन भोगी का जो उद्यानिकी का कर्मचारी उसको मात्र 6,000 रुपया वेतन मिलेगा, उसमें उसके परिवार चल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के बजट में बहुत उम्मीदें हैं और इस उम्मीद पर खरा नहीं उतरने पर इसके बाद हमको उग्र आंदोलन करके अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई के लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। और मेरे प्रदेश के छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संघर्षशील साथी है, जबर सहैया छाती है और छत्तीसगढ़ के माटी है, लड़े के लिए 24 घंटा तैयार है। विजय कुमार झा, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ। छत्तीसगढ़ में हमारे जितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, विशेषकर जो आपके सामने उपस्थित है उद्यानिकी विभाग के कर्मचारियों की, एक ऐसी स्थिति है कि शासन के द्वारा जो निर्णय लिया गया था घोषणा पत्र में उनका उल्लेख किया गया था, आज ये कर्मचारी निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों और इन मजदूरों की तरफ अपना ध्यान नहीं दे रहे, जबकि उनके घोषणा पत्र में इनके नियमितीकरण की मांग की गई थी। ये कर्मचारी अनवरत कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा ये आग्रह है कि अगर इन कर्मचारियों को नियमितीकरण नहीं किया जाता और वादा खिलाफी की जा रही है तो इस सरकार आने वाले समय में ये सरकार सरकार नहीं रहेगी, ये सरकारी हमारे कर्मचारियों से दैनिक वेतन से भी बदतर होकर रहेगी। ये हमारा खुला घोषणा है, हमारी खुली चुनौती है। बहुत बर्दाश्त के लिए, बहुत संघर्ष के लिए
आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और इस प्रदेश में इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे अगर इन कर्मचारियों को हमारे नियमितीकरण नहीं किया गया। 9 मार्च को जो बजट सत्र है, हर सरकार, हर स्टेट की सरकार ने कर्मचारी हित में निर्णय लिया है, लेकिन ये पंगु और अपंग सरकार जो यहाँ बैठी हुई है, ये इन मजदूरों के निर्णय ले रही है। वो IAS IPS अधिकारियों को शर्म आना चाहिए जो हमारे कर्मचारी बैठ के बंगले में काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उनका ध्यान नहीं जा रहा कि सरकार की ओर दबाव डाले और इन कर्मचारियों को नियमितीकरण करें। इनकी बाप की बपौती नहीं है छत्तीसगढ़ स्टेट, ये कर्मचारी और इस प्रदेश के लोगों की बपौती है, यहाँ के मजदूरों की बपौती है। छत्तीसगढ़ यह जाग गया है, इस सरकार ने अगर निर्णय हित में नहीं लिया कर्मचारियों के, तो इस सरकार को इस छत्तीसगढ़ में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं सुरेंद्र त्रिपाठी, छत्तीसगढ़ प्रदेश की कर्मचारी का प्रांतीय सचिव।